10 साल से ये चल रहा है, 2013 से। लड़के बहुत हैं, ये लड़के हैं और अभी ये 20 से ऊपर लड़के होंगे जो काम करते हैं इधर। अभी नीचे भी आप देखोगे काम करने को शुरू करने वाले हैं, बाकी हम इधर पैकिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में 500 से शुरू होता है, करीब लास्ट तक ये 700-800 तक जाता है। शौक है लोगों का, ताउन है इसमें, और कहता हूँ कि आगे आओ और हर जगह ये होना चाहिए, कायम करो ये, और इसमें बड़ा सुकून मिलता है दिल को। ये चालू कर, ये कम बैठने मत, रुकने मत, ये हर जगह होना चाहिए। बेसिकली पहले से ही था, ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ नया है, ये स्टार्ट से ही था। जब मैं छोटा भी था उस वक्त मैं देख रहा था कि यहाँ पर इफ्तारी हो रही थी, लेकिन इस तरीके से नहीं हो रही थी। थोड़ा बहुत लोग लाते थे, कोई दूध लाता था, कोई फ्रूट लाता था। अब इसको हमने 2014 से थोड़ा बहुत सिस्टम में मुनज़्ज़म लाया, तो तब से ये चालू है। 500-600 लोग का होता ही रहता है एवरेज, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लास्ट 10 दिन में बढ़ते हैं। कोविड के दिन में हमने बंद किया था, लेकिन थोड़ा चालू किया था, बट कोविड के दिन नहीं बंद नहीं, खर्च नहीं होता है। ये खाली लोगों को एक खर्च होता है, इसमें बहुत कम खर्च होता है। खर्च क्या होता है, यहाँ पर होटल वाले हैं वो तो हमेशा निकालते हैं कोई ना कोई आइटम। तो यहाँ पर बड़े बड़े दुकानदार हैं, बेकरी वाले हैं। इस दट बिग अमाउंट, छोटा कोई फ्रूट लाता है, कोई दूध लाता है, कोई किसी दिन कोई चीज़ लाता है, तो हम उसको सिस्टम में रखते हैं। तो उतना खर्चा जब तक मुझे नजरे है उतना नहीं आता इसमें खर्चा। जो लोग कहते हैं ना इसमें लाखों रुपए खर्च, 1-2 लाख में पूरा महीने में खर्च होता, अगर वो दूध वूध सब इकट्ठा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये खर्च। ये रजाकार लोग हैं यहाँ पर, ये बड़े खुशी खुशी आते हैं ये काम करने के लिए। बल्कि यहाँ पर कोई मुसलमान भी आते हैं और गैर मुस्लिम भी आते हैं। दे फील प्राउड कि हम इधर खिदमत करें। हम उनको कहते हैं बहुत वेलकम, और जब काम करो तो ये सब रजाकार हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा, ख़ास तौर पर जो मार्केट में, अगर मस्जिद है मार्केट में, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। एक तो मार्केट लेट तक खुला रहेगा दुकान, और लोगों को परेशानी नहीं रहेगी इफ्तारी कहाँ करनी है। आपको पता होगा कि यहाँ पर लोग रास्ते में इफ्तार करते हैं, हाथ में खजूर लेके हैं रास्ते में। तो ये अगर मार्केट में ये कल्चर हो जाएगा अच्छी बात है, एक सवाब भी है और काम भी अच्छा निकलेगा उससे। अगर मार्केट में जितने भी मस्जिदें हैं अगर वो ये चीज़ चालू करेंगे उनके लिए भी अच्छा काम बढ़ेगा। क्योंकि लोग देखिए यहाँ बहुत लोग आते हैं जो गांव में रहते हैं, वो इफ्तारी की वजह से भागते हैं। जब उनको पता होगा कि इफ्तारी हमको मिलेगी फलां जगह, अच्छे तरीके से इफ्तारी है, वो इफ्तारी करके चले जाएंगे। तो उससे मार्केट का बिजनेस भी बढ़ेगा और मार्केट का जो काम है और वो भी बढ़ेगा, और इफ्तारी भी हो जाएगी आराम से, हर कोई को बड़ा आराम से मिल जाएगा इफ्तारी। ये अच्छी बात है अगर और भी करें। बल्कि हमने पिछली दफ़ा भी मैंने कहा कि जितने भी मार्केट यहाँ पर हैं, अगर वहाँ पर मस्जिदें, बड़े मस्जिदें, दे शुड स्टार्ट दिस। ये बहुत